दोस्तों अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच में जैसे ही श्रीलंका ने अफगानिस्तान को सिर्फ 2 रनों से हरा दिया, यहां पर राशिद खान आखिर में जब बैटिंग कर रहे थे उस समय पर वो रोते हुए नजर आए, क्योंकि सिर्फ 2 रन पे हारने का दुख बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि वो खेल नहीं पाए। लास्ट के 37 ओवर चल रहे थे, इनके पास में खेलने के लिए बहुत सारे रन्स पड़े थे, लेकिन दोस्तों यहां पर टारगेट 292 का दिया हुआ था और अफगानिस्तान 289 पर 9 विकेट्स पर खेल रहा था। सिर्फ 1 विकेट की यहां पर कमी थी श्रीलंका को जीतने की, लेकिन जैसे ही यहां पर अगली गेंद फेंकी जाती है श्रीलंका यहां पर जीत जाती है और यहां पर DRS भी लिया जाता है, क्योंकि चेक करना होता है क्या सच में यहां पर आउट हुआ है कि नहीं। वैसे तो एम्पायर पहले ही आउट का सिग्नल दे देते हैं, लेकिन अल्ट्रा चेक करने पर दिखता है कि बॉल बैट से काफ़ी ज़्यादा दूर है और दिखता है कि अफगानिस्तान का प्लेयर आउट हो चुका है और अफगानिस्तान इसी के साथ में एशिया कप से एलिमिनेट भी हो चुका है। इसीलिए राशिद खान यहाँ पे काफ़ी भारी मन से इमोशनल होते हुए रोते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास में मौका था अच्छा खासा खेलने का। उन्होंने 16 गेंदे खेल भी ली थी और 27 रन भी बना लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। अगर उन्हें मिलता तो वो ज़रूर से इस मैच को अलग ही करवट में बदल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका यहां पर जीत चुका है और इसी के साथ में टॉप 4 की जो टीम है वो भी फाइनल हो चुकी है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही न्यूज़ और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।